संस्कार धानी की रिमझिम बारिश के बाद मुझे मन किया मोमोज खाने का, तो मैंने बोला संभव चल यार मोमोज खाने चलते हैं। और संभव का सजेशन था कि चलते हैं स्पाइसी बाइट, लोकेशन आपको बाद में बताएंगे। तो हम लोग आज यहाँ पे गर्मा गर्म मोमोज प्लेटर खाने आए हैं और टेस्ट करने वाले हैं कैसा होने वाला है। आप आगे वीडियो देखिए, चलते हैं स्पाइसी बाइट के अंदर और देखते हैं ये कैसा होने वाला है। हाँ जी, तो भैया है तो ठेठ जबलपुरिया हम, और हम लोगों को यार अभी एक नया शौक है चाट के बाद और फुल्की के बाद, जो कि है मोमोज। टीनेजर्स के लिए काफ़ी अच्छी जगह होती है मोमोज के लिए, जैसे कि आप स्टॉल्स पे भी खाते हैं स्ट्रीट फूड, लेकिन उससे भी हट के, क्योंकि वहाँ स्टीम और फ्राई के आपको ऑप्शंस के अलावा कुछ मिलता नहीं है। लेकिन आपको स्पाइसी बाइट में ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको सिर्फ स्टीम और फ्राई मिलेगा, यहाँ पर वेराइटीज़ भी अलग है। जैसे आपको एक बार बता ही देते हैं ना यार, क्यों नहीं, ठीक है। वेज पनीर, ठीक है, उसके बाद हरियाली मोमोज, अफगानी मोमोज, चिली मोमोज, पिज़्ज़ा मोमोज और मोमोज प्लेटर। जी हाँ, आपने सही सुना, मोमोज प्लेटर। हाँ, तो मोमोज प्लेटर क्या है वो तो आपको देख के ही पता चल जाएगा, क्योंकि 10 पीसेज आने वाले और 10 के 10 अलग होंगे, हटके होंगे। तो यार वेट करना, और मोमोज के दीवाने हो तो स्पाइसी बाइट ज़रूर आना। और इसकी लोकेशन चलो अभी मैं रिवील कर देता हूँ, नवयोग कॉलेज के सामने नियर साईं मंदिर, साउथ सिविल लाइन्स, जबलपुर, मध्य प्रदेश। जो है ना ये पनीर है, वेज में भी ले सकते हो आप, तंदूरी में भी ले सकते हो। हम लोग ने जो प्लेटर लिया है इसमें 10 पीसेज आते हैं, तो आपको बता दे रहा कौन कौन से हैं, टेस्ट करके बताऊंगा कौन सा क्या है। ये तो आप सबको पता है ये कौन सा है, ये स्टीम, जिसको हम लोग नॉर्मल अपने शेजवान के साथ ट्राई करेंगे। सॉफ्ट है और इसका जो मैदा है ना आपको कुछ हार्म नहीं करेगा। तो जो लोग बोलते हैं ना कि मोमोज मैदा आपको हार्म करता है, तो ये काफ़ी सॉफ्ट है और अंदर पनीर की पूरी फिलिंग है। तो यार इस मोमोज को मैं रेट 10 out of 10 करूँगा, क्योंकि शेज़वान के साथ ये काफ़ी ज़्यादा सही लग रहा है। तो शेज़वान मेयो और ये ग्रीन चटनी भी आपको दी है मिंट की, चलो अब इसको रखते हैं असाइड। अब हम लोग लेते हैं ये आला, ये फ्राई मोमोज है पनीर में, चलो अब इसको टेस्ट कर लेते हैं। बाहर से ज़्यादा क्रिस्पी है और अंदर से वही पनीर की फीलिंग है, और गाजर भी और प्याज भी है, तब को मिक्सचर फीलिंग आएगा जो ही काफ़ी टेस्टी और टेम्पटिंग टेस्ट करेगा आप में। इसको मैं रेट करूँगा 9 out of 10। अब इसकी बारी है। हाँ जी, तो ये है अफगानी, तो चलो इसको ट्राई करते हैं। शेज़वान इनकी चटनी यार बहुत ही सही है, शेज़वान चटनी बहुत अच्छी है इनकी, इसीलिए मेयो भी एकदम बहुत ठीक है, एकदम पैकेट से निकाल के जो देते हैं वो वाली है, एकदम कुछ भी इसमें मिलावट नहीं है, तो भी ज़्यादा सही है, एकदम हाइजीनिक जगह है। इसको टेस्ट करते हैं अफगानी। उसका टेस्ट स्लाइटली डिफरेंट है पनीर वेज फ्राई से। तो अगर आप प्लेटर ले रहे हो तो ये सब मोमोज आपको काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस करेंगे। सबके एक एक बाइट लेते हैं, फिर आराम से बाद में खाएंगे। और अब ये आ गए हमारे तंदूरी मोमोज हैं, चलो टेस्ट करते हैं मिंट की चटनी के साथ। सो इफ यू गो विथ मिंट चटनी यू विल डेफिनेटली लव इट। मिंट चटनी के साथ तंदूर का यार बहुत अच्छा रिलेशन है। इस मोमोज को मैं रेट करूँगा 10 out of 10, क्योंकि टेस्ट काफ़ी अच्छा है इसका। अब बात है आखिरी मोमोज की, जो कि है हरियाली मोमोज, हरा हरा हरियाली।
चलो टेस्ट करते हैं। दोनों तीनों चटनी को दबा दी। बाहर की इसकी जो कोटिंग है काफ़ी अच्छा टेस्ट ऐड कर रही है अंदर के पनीर की स्टफिंग में, और जो इनकी आउटर लेयर है काफ़ी क्रिस्पी है। यार सही में पांचों के पांचों मोमोज को काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे, और सबसे अच्छा हरियाली लगा क्योंकि टेस्ट काफ़ी स्लाइटली डिफरेंट है चारों से। तो आओ तो प्लेटर लेना, प्लेटर नहीं तो हरियाली वाला ले लेना या तंदूरी ले लेना। तो चलो वीडियो को फिनिश करते हैं, इन सबको फिनिश करते हैं। और इसका प्राइस मैं आपको बता दूँ 150 रुपीज़ है पनीर के लिए, पर अगर आप सेम वेज में लेंगे वेज फिलिंग में तो आपको पड़ेगा 130 का। तो यार प्राइस तो मैं कहूँगा ठीक है, रीज़नेबल है। तो चलो इसको फिनिश करते हैं। एड्रेस आपको बता ही दिया, और कुछ बताने का है नहीं क्योंकि सुबह 11:30 से ये रात के 11:30 तक आपको मिल जाएगी। तो चलो फिनिश करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फूडीज़ हैं।